नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा, यानी कि मकई का चूड़ा। ये एकदम झटपट बन जाता है, तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन से चीज़ों की ज़रूरत है। कॉर्नफ्लेक्स 250 ग्राम, मूंगफली हाफ कटोरी, 5-6 करी पत्ते, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक पाउडर, शुगर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और फ्राई करने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल गरम होने के बाद हम इसमें मूंगफली फ्राई करेंगे। इसे ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकालते हैं। इसके बाद हम कॉर्नफ्लेक्स फ्राई करेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। ये बहुत जल्द फ्राई हो जाता है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से फूल गया है। इसे अब हम निकालते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हम सारे कॉर्नफ्लेक्स फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम दूसरे कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें राई डालेंगे। राई अच्छी तरह से फूटने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, करी पत्ते, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फ्राई की हुई मूंगफली इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम गैस बंद करते हैं। इसमें हम पाउडर शुगर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो फ्राई किए हुए कॉर्नफ्लेक्स है वो इसमें डालेंगे और इसे एकदम हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपने देख लिया ये कितना झटपट बन जाता है। अब हम इसे प्लेट पे निकालते हैं। ये मकई का चूड़ा हमारा खाने के लिए एकदम रेडी है। इसे हम एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख सकते हैं। आपने देख लिया इसकी रेसिपी कितनी आसान है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड में जो लोगो आएगा इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।